नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिधाई थाना क्षेत्र के बैठोली पुल के समीप एक सड़क हादसे में 40 वर्षीय चिकित्सक की मौत हो गई। घटना सुबह 8:30 बजे के करीब की है। चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कुमार अपनी बाइक से सिधाई थाने के सागर से जिला अस्पताल के लिए अकेले ही निकले थे। बैठोली पुल के पास पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटनास्थल के समीप ही खेत में गेहूं काट रहे ग्रामीणों ने हादसे को देखा तो तत्काल मौके पर पहुंचे। इसके बाद सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को भी सूचना मिल गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में ले आई। डॉक्टर योगेंद्र जिला अस्पताल में डॉक्टर अनिलेश कुमार के अंडर में इंटर्नशिप का काम करते थे। वह सिधाई थाने के समेधा में रहने वाले थे, सागर में रहते थे। चार भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी तीन पुत्री और एक मासूम लड़का है। क्या घटना क्या हुई है? बाइक से एक्सीडेंट हो गया, पीछे फोर व्हीलर मार दिया। पीछे फोर व्हीलर तो कौन है ये आपके जिनका एक्सीडेंट हुआ है? बनोई है। बनोई है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर योगेंद्र कुमार। अच्छा, ये क्या करते थे, कहाँ से डिग्री धारक, कहाँ पे काम करते थे, कैसे क्या हादसा हुआ? जिला अस्पताल में इंटर्नशिप चल रही थी। इंटर्नशिप डॉक्टर अनिलेश कुमार के यहाँ? जी। अच्छा, तो क्या रोज की तरह आ रहे थे? जी, रोज की तरह आ रहे थे। अच्छा, तो सुबह कितने बजे घटना है ये? ये सुबह 8:30 बजे लगभग। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।